अस्सलाम वालेकुम, एसएम न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद नदीम। खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं कराची से। कराची में आवारा कुत्तों की बहुतात ने शहरियों और खासतौर पर छोटे बच्चों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कुत्ते के काटने के वाकयात में इजाफा हो रहा है। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ ज़ुल्फ़िकार अली से। जी ज़ुल्फ़िकार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कुत्ते के काटने के वाकयात में इजाफा हो रहा है और साल 2019 में सूबे में सरगजिदगी से होने वाली हलाकतों की तादाद 20 तक पहुंच गई थी। आवारा कुत्तों के हमले का ताज़ा वाकया कराची के इलाके मलीर में पेश आया, जहां एक कमसन बच्चे पर 3 कुत्तों ने हमला किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि वीरान गली में बच्चा भागता हुआ अपनी मां से आगे निकल जाता है और फिर 3 आवारा कुत्ते अचानक इस पर हमला कर देते हैं। माँ यह मंजर देखकर भागती हुई अपने बच्चे को बचाने के लिए आती है, जिसके बाद कुत्ते भाग निकलते हैं। माँ के बरवक़्त रद्द अमल ने मासूम बच्चे की जान बचा ली। ताहम गुज़श्ता दिनों रहीम जारखा में कुत्तों के हमले में जान बाँक होने वाले बच्चे इतने खुशकिस्मत ना थे। रहीम जारखा में गुज़श्ता दिनों आवारा कुत्तों के काटने से 2 बहन भाई के जान बाँक होने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। पुलिस के मुताबिक आवारा कुत्तों ने 5 साला शाह नवाज और 3 साला अरबेली पर हमला किया। कुत्तों के काटने से बच्चे शदीद जख्मी हो गए और जख्मों की ताब ना लाते हुए जहां बाक हो गए। जी बहुत शुक्रिया ज़ुल्फ़िकार तफसीलात से आगाह करने का।